दोस्तों यह है गोड्डा जिला जो भारतीय राज्य झारखंड का बड़ा ही महत्वपूर्ण जिला है। ये जिला अपने थर्मल पावर प्लांट और ऊंची ऊंची पहाड़ियों व अपने प्राचीन धार्मिक स्थलों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पर बना अदानी थर्मल पावर प्लांट जो इस जिले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस वजह से इस जिले का काफी तेजी से विकास हुआ है। गोड्डा जिले में संथाल जनजाति के लोग बड़ी संख्या में निवास करते हैं, जिस वजह से इसे संथाल जनजातियों का गढ़ भी कहा जाता है। गोड्डा जिला पहले दुमका जिले का एक प्रमुख हिस्सा हुआ करता था, जिसका गठन 25 मई 1983 को एक स्वतंत्र जिले के रूप में किया गया और यह जिला संथाल परगना डिवीजन के अंतर्गत आता है और जिले का जिला मुख्यालय व कार्यालय गोड्डा नगर में स्थित है। गोड्डा जिले की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह जिला झारखंड राज्य के उत्तरी पूर्वी हिस्से में कजिया नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जो राज्य की राजधानी रांची से 347 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं यह जिला अपने कई पड़ोसी जिलों से घिरा हुआ है। गोड्डा के दक्षिण में दुमका, पूर्व में साहिबगंज व पाकुड़ और उत्तर पश्चिम में बिहार राज्य की सीमा से घिरा हुआ है। 2110 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए गोड्डा जिले की वर्तमान अनुमानित आबादी लगभग 16 लाख लोगों की है। वहीं यहां के लिंगा अनुपात की बात करें तो यहां पर 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं हैं। दोस्तों, गोड्डा जिला एक कृषि प्रधान जिला है। यहां की मुख्य अर्थव्यवस्था का आय स्रोत वह मुख्य रूप से कृषि व खनिज खनन पर निर्भर है। जिले के रूरल एरिया के लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। यहां पर मुख्य रूप से धान, गेहूं और मक्का जैसी फसलों का उत्पादन भरपूर मात्रा में किया जाता है। इसके अलावा जिले में कई खनिज खदानें भी मौजूद हैं, जहां से कोयले का खनन भारी मात्रा में होता है। गोड्डा जिला आदिवासियों व अन्य लोगों की संस्कृति में रंगा एक शांतिपूर्ण जिला है। यहां पर मुख्य रूप से संथाली, खोरटा, हिंदी, बंगाली व माल्टो जैसी कई भाषाएं बोली जाती हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें तो गोड्डा जिले में 2 अनुमंडल, 9 प्रखंड, 17 पुलिस स्टेशन, 201 ग्राम पंचायतें और 1634 गांव शामिल हैं। यातायात के माध्यम से देखें तो गोड्डा जिला रेल मार्ग, सड़क मार्ग जैसे मार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग की बात करें तो यहां का मुख्य रेलवे स्टेशन व गोड्डा रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन दुमका भागलपुर मेन लाइन पर स्थित है, जो अपने रेल मार्ग के द्वारा देश व राज्य के कई शहरों से अच्छी तरह से कनेक्टिविटी प्रदान करता है। वहीं सड़क मार्ग के द्वारा गोड्डा जिले से होकर नेशनल हाईवे संख्या 333 ए और 133 गुजरती हैं, जो आगे चलकर इसे राज्य व देश के कई शहरों से जोड़ती हैं। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं गोड्डा जिले के कुछ खूबसूरत पर्यटन स्थलों के बारे में, जो इस जिले की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल योगिनी शक्तिपीठ, सुंदर बांध, जैव विविधता पार्क, बसंत राय तालाब, शिव मंदिर गोड्डा, गुमानी डैम जैसे कई खूबसूरत पर्यटन स्थल गोड्डा जिले में मौजूद हैं, जिनकी सुंदरता का लुत्फ उठाने के लिए आप यहां पर घूमने के लिए आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।